त्रिपुरा में माणिक साहा ने दूसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा शामिल हुए। अगरतला पहुंचने पर पीएम मोदी का जोरदार स्वागत हुआ। लोगों ने पीएम मोदी के काफिले पर फूल बरसाकर उनका स्वागत किया। शपथ ग्रहण समारोह में बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री भी शामिल हुए। देश भर में होली का त्यौहार धूमधाम से मनाया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में काशी विश्वनाथ में होली की धूम। होली की यहां अलग ही छटा देखने को मिली। लोग जमकर होली खेलते हुए नजर आए। होली के गानों पर लोग झूमते नजर आए। गंगा घाट पर भी लोगों ने जमकर होली खेली। देश भर में होली का त्यौहार धूमधाम से मनाया जा रहा है। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट करके देशवासियों को होली की बधाई दी। पीएम मोदी ने ट्वीट कर लिखा कि आप सबके जीवन में आनंद और उमंग का रंग बरसे। गृह मंत्री अमित शाह ने भी ट्वीट कर दी होली की शुभकामनाएं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दिल्ली में अपने आवास पर होली खेली। राजनाथ सिंह के आवास पर बड़ी संख्या में पार्टी कार्यकर्ता और नेता पहुंचे। उन्होंने सबको रंग और अबीर लगाया। इस दौरान उन्होंने नगाड़े पर भी हाथ आजमाया। साथ ही अमेरिका वाणिज्य मंत्री गीना रेमंडो भी राजनाथ सिंह के आवास पर पहुंचे और होली खेली। रक्षा मंत्री के आवास पर लोग होली के रंग में रंगे नजर आए। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखनाथ मंदिर में होली का त्यौहार मनाया और वहां गोरखनाथ मंदिर का दौरा किया। मंदिर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गौशाला में बछड़े को गुड़ खिलाया और अबीर गुलाल लगाया। सीएम ने होली की बधाई दी और कहा कि किसी प्रकार की घृणा ईर्ष्या अपने मन में किसी के प्रति ना रखे। इस त्यौहार में ना जाति भेद होना चाहिए और ना वर्ग भेद होना चाहिए। गुजरात विधानसभा में पहली बार होली का आयोजन किया गया। विधानसभा में इको फ्रेंडली होली खेली गई। विधानसभा अध्यक्ष शंकर चौधरी द्वारा ने रंग महोत्सव में केसुला और नेचुरल कलर से होली खेली। वहीं मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल के अलावा गृह राज्य मंत्री हर्ष संघी एक दूसरे पर गुलाल उड़ाते हुए नजर आए। इस दौरान आदिवासी नृत्य का भी आयोजन किया गया। भारतीय क्रिकेट टीम के खिलाड़ियों ने चौथा टेस्ट मैच शुरू होने से पहले जमकर होली का जश्न मनाया। टीम इंडिया के खिलाड़ियों का वीडियो बल्लेबाज शुभमन गिल ने अपने इंस्टाग्राम पर शेयर किया है। वीडियो में विराट कोहली टीम पर गुलाल फेंकते हुए नजर आ रहे हैं, साथ ही गानों पर थिरकते हुए नजर आ रहे हैं। उनके पीछे कप्तान रोहित शर्मा भी दिखे, जिनके हाथों में गुलाल नजर आया। मध्य प्रदेश के रीवा में अलग तरह की होली खेली गई। बीजेपी युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने देश में नफरत फैलाने वालों का होलिका दहन किया है। रीवा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी करने वाले कांग्रेस नेता पवन खेड़ा, पाकिस्तान और जॉर्ज सोरोस का होलिका दहन किया गया। गुजरात के सूरत में होली का जश्न उस वक्त कुश्ती के अखाड़े में बदल गया जब होली खेलते खेलते लोग आपस में हाथापाई करने लगे। दरअसल कुछ लोग सड़क पर होली खेल रहे थे। इसी दौरान होली की मौज मस्ती में कुछ लोगों ने राहगीरों पर पानी छिड़क दिया। इसी बात पर दो पक्षों के बीच कहासुनी शुरू हो गई और देखते ही देखते बात मारपीट तक जा पहुंची। वहां मौजूद महिलाओं ने मामला शांत करवाया। राजस्थान के अजमेर में होली के दौरान दो पक्षों के बीच विवाद हो गया। दोनों पक्षों ने पत्थरबाजी की जिसमें एक आदमी की मौत हो गई और कई लोग जख्मी हो गए। बताया ये जा रहा है कि मामूली कहासुनी से शुरू हुआ विवाद धीरे धीरे इतना बढ़ गया कि दोनों तरफ से जमकर पत्थर चले। जानकारी मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने मामला शांत करवाया और केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री आज से 4 दिनों के भारत दौरे पर पहुंचेंगे। पहले दिन वो अहमदाबाद के साबरमती आश्रम जाएंगे, राजभवन में होली कार्यक्रम में शामिल होंगे। दूसरे दिन एंटनी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ भारत ऑस्ट्रेलिया टेस्ट मैच का लुत्फ उठाएंगे। फिर मुंबई में उन्हें INS विक्रांत पर गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाएगा। देर शाम राष्ट्रपति भवन में उनका आधिकारिक स्वागत होगा। प्रयागराज के उमेश पाल हत्याकांड में बड़ा पर्दाफाश हुआ है। हत्याकांड का आरोपी और बाहुबली अतीक अहमद का भाई अशरफ बरेली जेल में लगातार अवैध तरीके से अपने लोगों से मुलाकात कर रहा था। सूत्रों के मुताबिक उमेश पाल की हत्या की साजिश भी बरेली जेल में ही रची गई थी। पुलिस ने बरेली जिला जेल के वार्डन और जेल में सब्जी सप्लाई करने वाले को गिरफ्तार किया है और जेल के कई कर्मचारियों के खिलाफ FIR दर्ज की गई। पंजाब के श्री आनंदपुर साहिब में होला मोहल्ला के पहले दिन कनाडा से आए निहंग युवक की हत्या कर दी गई। बताया ये गया है कि श्री कीरतपुर साहिब से श्री आनंदपुर साहिब आने वाले गेट के पास कुछ निहंग बिना साइलेंस और मोटरसाइकिल ट्रैक्टर बड़े स्पीकर वाले वाहनों को रोक रहे थे। इसी दौरान निहंग की कुछ लोगों से बहस हुई और लोगों ने उस पर हमला बोल दिया जिससे उसकी मौत हो गई। पुलिस ने मामले में शामिल एक आरोपी की गिरफ्तारी की।
होली की बधाई देने पर पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ फंस गए हैं। दरअसल नवाज शरीफ ने सोशल मीडिया के जरिए होली की बधाई के साथ दिए की इमोजी लगा दी, जिसके बाद सोशल मीडिया पर उन्हें जमकर ट्रोल किया गया। एक यूजर ने लिखा कि जनाब कम से कम दो त्योहारों का फर्क तो समझिए, दिया या लैंप दीपावली का सिंबल है और होली का नहीं। पाकिस्तान के पूर्व पीएम इमरान खान आज एक बड़ी रैली कर पंजाब प्रांत में अपनी पार्टी के चुनाव प्रचार अभियान की शुरुआत करेंगे। पंजाब में इसी साल चुनाव होना है। जानकारी के मुताबिक रैली का नेतृत्व खुद इमरान खान करेंगे और यही वजह है कि उनकी सुरक्षा का भी पूरा ध्यान रखा गया है। बताया गया है कि इमरान खान एक बुलेट प्रूफ गाड़ी पर सवार होकर रैली का नेतृत्व करेंगे। मिस्र की राजधानी काहिरा में बड़ा रेल हादसा हो गया, जहां ट्रेन के पटरी से उतरने से हादसा हुआ। इस हादसे में दो लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 16 लोग जख्मी हो चुके हैं। इस हादसे के बाद घायलों का रेस्क्यू किया गया है। इससे पहले 2021 में मिस्र में बड़ा रेल हादसा हुआ था, जिसमें 32 लोगों की मौत हो गई थी, जबकि करीब 84 लोग बुरी तरीके से घायल हो गए। बांग्लादेश की राजधानी ढाका में एक बम धमाका हो गया है। 7 मंजिला इमारत में हुआ धमाका इतना जोरदार था कि हर तरफ अफरा तफरी और दहशत फैल गई। बम धमाके में 6 लोगों की जान चली गई, 50 से ज्यादा लोग घायल हो गए। जिस बिल्डिंग में धमाका हुआ वो उसमें कई दुकानें मौजूद थी। जहां हुए विस्फोट से बिल्डिंग की 2 मंजिलें पूरी तरीके से बर्बाद हो गई। घायलों को वहां खड़े रिक्शों में लादकर अस्पताल भेजा गया। फ्रांस की राजधानी पेरिस में पेंशन नियम में होने वाले बदलाव के खिलाफ प्रदर्शन जारी है। राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के रिटायरमेंट की उम्र 62 से बढ़ाकर 64 करने का ऐलान किया था, ताकि सरकार को पेंशन के तौर पर दी जाने वाली रकम का बोझ कम हो सके। इसे लेकर पूरे फ्रांस में विरोध किया जा रहा है। पेरिस में इसके खिलाफ बड़ी रैली निकाली गई, जिसमें कई बुजुर्ग भी शामिल हुए। जॉर्जिया में विदेशी एजेंट बिल को लेकर लगातार हंगामा जारी है। बिल के तहत जॉर्जिया की सरकार विदेशों से 20% से ज्यादा फंडिंग पाने वाली कंपनियों को विदेशी कंपनियों के तौर पर रजिस्टर करेगी। इस बिल का विरोध करने के लिए हजारों की तादाद में लोग राजधानी में जमा हो गए, जो बिल वापस लेने की मांग पर अड़े हैं। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर वाटर कैनन चला दिए।